Assalamu alaikum. Today our lecture number is 82 and exercise number 4.4. और जो उसी exercise का जो हमने problem 22 तक discuss कर लिए थे, अब जाहिर है 23 है आ गया ना, तो 23 को discuss कर लेते हैं, ठीक है? चलो जी, सबसे चीज़ें YC जान ही नहीं छोड़ रहा भाई, ऐसा क्या है? YC हमारे पीछे ही लग गया साला। चलो कोई मसला नहीं, हम उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्या मसला है भाई जी? ना तो क्या मसला, तो इसी वाले पोर्शन को हमने जीरो के कंसीडर कर दिया। जीरो कंसीडर करने के बाद इसको एक्सिलरी इक्वेशन कन्वर्ट करने के बाद हमने क्या कर दिया, उसके रूट्स निकाले। तीनों के तीनों रूट्स क्या है? सेम जी। तो वाई सी क्या बनेगा? ई पावर एक्स, क्योंकि वन है तो एक्स सी वन प्लस सी टू एक्स प्लस सी थ्री एक्स। अब समझ आ गया होगा, ठीक है। अब जी भाई, अब निकालना हमें वाई पी। सबसे पहले वाई पी इसका निकालो, लीनियर है तो लीनियर का हमें पता है एक प्लस बी, ठीक, क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब इसी का मैं अगर निकालना चाहूँ तो मेरा बन क्या रहा है, ठीक है? बनना तो ये चाहिए, क्या हमें पता है? जस्ट ई पावर। लेकिन अगर मैं देखूँ तो अगर मैं इसको सी वन को अरे एक्स को मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा क्या हो जाएगा? सी वन। और इसमें इसमें क्या फ़र्क है? सिर्फ कांस्टेंट में डिफरेंस है। तो कांस्टेंट में तो क्या हुआ, मतलब हैं तो कांस्टेंट दोनों, ठीक, दोनों की वैल्यूज तो हमें पता नहीं, तो दोनों कांस्टेंट मतलब ये वाले फॉर्म तो सेम हो गई। अच्छा जी, अगर मैं इसके साथ एक्स ही कंसीडर कर देता तो अगर मेरा ये वाला टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो ये मेरा क्या हो जाएगा? ई पावर एक्स एक्स सी वन, तो ये भी सेम हो जाएगा, ठीक है। अगर मेरा ये वाला टर्म देखूँ तो अगर मैं इसी चीज़ को एक्स स्क्वायर ई एक्स करूँ तो ये वाला टर्म भी सेम हो जाएगा, क्योंकि ई पावर एक्स एक्स स्क्वायर सी वन, तो ये भी दोनों टर्म। तो मैंने क्या कर दिया इसको? धम धमा धम मस्त कलंदर, इसको मैंने दिया एक्स क्यूब। क्यों? क्योंकि एक्स क्यूब है ही नहीं ना, तो इसने हमने मैंने एक्स क्यूब बना दिया। आप भी एक्स क्यूब बना दें, क्योंकि एक्स क्यूब बन रहा है ना भाई साहब। तो ये हुई ना बात, वाई पी मिल गया। अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना है, डेरिवेटिव निकालना है भाई साहब, डेरिवेटिव। तो हमने क्या कर दिया? डेरिवेटिव निकालना शुरू कर दिया। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या बना, इसको डिस्कस नहीं करना, टाइम वेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव किस तरह आया वो सब कुछ मैंने लिख लिया, लिखा हुआ है, डायरेक्ट नहीं किया है, सब कुछ चीज़ें नज़र आ रही है, आप इसको देख कर भी कर सकते हैं, ठीक है बच्चों, इसकी टेंशन लेने की बात नहीं है। और थर्ड डेरिवेटिव, टेंशन नहीं लेना, ठीक है ना? तो अब क्या करना है? अब बच्चों डबल डेरिवेटिव, सिंगल डेरिवेटिव, ट्रिपल डेरिवेटिव ले लिया तो पुट करो ना इक्वेशन के अंदर। हमने क्या कर दिया? तीनों वैल्यूज़ को पुट कर दिया अपने वाली इक्वेशन में, ठीक है ना? तो मेरी क्या हो जाएगी? क्योंकि मेरा ये एजेट मैंने लिखा, ठीक है, यहाँ तक पहुँच गया। फिर मेरा माइनस थ्री था, तो यहाँ पे डबल डेरिवेटिव में देखो सिक्स है, तो माइनस थ्री को मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? माइनस एटीन। आगे सेम इजट, फिर माइनस एटीन, आगे सेम इजट, फिर माइनस सिक्स, सेम इजट, ठीक है। उसके बाद क्या है? प्लस थ्री मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई किया, थ्री है, प्लस नाइन, प्लस थ्री। उसके बाद क्या है? माइनस वाई, मतलब वाई पी के साथ, तो मैंने वाई पी के साथ मैंने माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब समझ आ गया यहाँ तक, उम्मीद होगी अच्छी तरह से समझ आ गया। अब देखो जी ज़रा कोई चीज़ तो कट रही तो नहीं है? हाँ जी, देखते कहीं भी निकल सकता है। सबसे पहले देखो जी, मैंने यहाँ पे थोड़ी सी छोटी सी मार्क कर दी ना, ताकि थोड़ी सी डिफरेंस। अच्छा जी, पहले इसको देखो, ये इधर है, नहीं है बाबा जी, कहीं भी नहीं है, तो मैंने क्या कह दिया? एजेट लिख लिया, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद 18 सी एक्स ई पावर एक्स को देखो, ये देखो, काटो, छोड़ते क्यों हो भाई साहब। उसके बाद यहाँ देखो 9 सी स्क्वायर, यहाँ पे 9 सी स्क्वायर मतलब कितने होंगे? 18, और यहाँ पे देखो माइनस के 18 सी स्क्वायर है, तो ये भी कैंसिल हो गया बाबू जी, पुत्र जी, ये भी कैंसिल हो गया। अब तो क्या रह गया?
अब देखो देखो तो जरा कोई और तो चीज नहीं कट रही। हाँ जी, एक तो चीज और कट रही है। देखो ये क्या है, ये मेरा CX3। क्या है CX3? ठीक है CX3। उसके बाद यहाँ पे देखो CX3 मतलब कितना हो गया, -5। आगे आ जाओ आगे आ जाओ, यहाँ पे आप पहुँचे तो कितने हो गए, माइनस के 5 था ये, +2, +2 के माइनस ये गया, दोबारा क्या आ गया 1X3। अभी भी एक और चीज़, कहीं से मिस्टेक तो नहीं हो गई हमसे, कोई तो मिस्टेक तो नहीं हुई। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दी। क्या कर दी, ये देखो ये वाला पोर्शन मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दी। वो क्या कर दिया, डबल डेरिवेटिव के अंदर यहाँ पे देखें, यहाँ पे -3 है ना, तो यहाँ पे -3, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया था -6, ये -6 नहीं -3 बनेगा, सॉरी ये मिस्टेक। ठीक है, तो देखें CX3 एक, ये CX3 एक्स, ये -3X, ये +3। ठीक, ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई, इसको थोड़ा सा आप रीअरेंज करना। ठीक है, जो पहले यहाँ पे तक में आप गलती कर चुका होगा, तो आपने अगर अपने हिसाब से सॉल्व किया होगा तो आपको समझ आ गया होगा। अब देखो जी, कोई कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा, क्यों, कोई चीज़ कैंसिल किया होगा, बिली नहीं, कैसे कैंसिल। तो मैंने 6 से, उसके बाद माइनस, यार यहाँ पे माइनस क्यों लिखा है। ठीक है, एक और भी यहाँ पे देखें, ये मैंने मिस्टेक कर दी, +3। ठीक है, तो 3 है यहाँ पे मैंने लिख लिया, उसके बाद आया -X, उसके बाद -b इक्वल टू -X-4। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या इक्वल हो गए, 6c-4, तो c मेरे को मिल गया, और उसके बाद 1 मेरे को मिलना है, तो ये और ये दोनों के इक्वल हो गए, तो मेरे को a मिल गया। ठीक है, उसके बाद मेरे को ये दोनों के 3a-b इज इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू मेरे को यहाँ पे मिल गई, तो मेरे यहाँ पे मैंने yp बना दिया और ये मैंने yc, तो ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, कैसे आ गया वो तो मैंने सब कुछ समझा लिया, अब तो यहाँ पे कोई चीज़ ऐसी थी नहीं जो समझाने के काबिल हो। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने लेक्चर, अपने क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, क्योंकि इस पार्ट के जो हैं 4.3 के जो है बाकी 3-4 क्वेश्चन रहते हैं, तो हम यहाँ तक कर लिया, तो चलें अब आगे चलते हैं। चलो जी, आ गया 24 का क्वेश्चन। सबसे पहले हमने क्या करना था, जो पहले करते आए वही करना होता है ना, और क्या करना होता है भाई। तो मेरा YC मिल गया, सबसे पहले YC निकालना है, तो YC के लिए मेरे को 0 कंसिडर, फिर एक्सिलरी इक्वेशन, फिर रूट्स, फिर रूट्स मैंने निकाल दिए, तीनों के तीनों रूट्स क्या है, डिस्टेंस, तो मेरा फॉर्म क्या बनेगा, ये वाला फॉर्म बनेगा। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या बनाना था, YP, यहाँ पे कांस्टेंट, कांस्टेंट के लिए, उसके बाद देखो e^x, e^x के लिए मेरे को बनाना था, a नहीं बनाना था क्योंकि a ऑलरेडी कांस्टेंट आ गया, b बनाना था, b e^x, लेकिन अगर मैं देखूँ तो वो ऑलरेडी फॉर्म बना हुआ था, तो मैंने यहाँ पे x ले लिया। ठीक है, फिर मैंने क्या कर दिया, इसके लिए बना दिया CX2X³ दिया, वो आपको पता चल जा चुका होगा भाई, 10 क्वेश्चन कर चुके हैं, इतना तो अब पता होना चाहिए ना। नहीं अभी भी नहीं समझ रहा बच्चों, थोड़ा दिमाग लगाओ, दिमाग, थोड़ी प्रैक्टिस, थोड़ा मेहनत, ऐसे थोड़ी आएगा। ठीक, तो जी ये आ गया, ठीक YP मेरे को मिल गया। अब मुझे निकालना था फर्स्ट डेरिवेटिव, उसके बाद मैंने सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, उसके बाद थर्ड, तीनों डेरिवेटिव निकाल दिए। देख लो देख लो, पॉज करके देख लो अपना वीडियो, उसको पॉज करो और देखो कैसे निकला। ठीक, चलो जी, उसके बाद इन तीनों को मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, YP को मेरे को इसको इक्वेशन के अंदर पुट करना था। किस इक्वेशन में, इस इक्वेशन, ये अपनी पप्पू वाली इक्वेशन है ना, पप्पू वाली, इस इक्वेशन में सबमिट करना था, तो हमें सब कुछ करना था। सबसे पहले देखें, देख लें यहाँ पे एज इट लिखना है, क्योंकि वाई डेरीवेटिव जो है थर्ड डेरीवेटिव, तो मैंने यहाँ पे देखी कलरिंग कर दी, कलरिंग, आप भी कलरिंग करें ताकि क्वेश्चन को थोड़ा, सेकेंड सेकेंड पॉइंट कि माइनस साइन देना, लेकिन बाकी सेम चीज़, तो मैंने डायरेक्ट सेकेंड डेरिवेटिव में माइनस की चेंजिंग की, बाकी एज इट लिखा है। ठीक, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ -4 मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैंने -4 मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लिया,
उसके बाद वाई पी के साथ सिर्फ 4 मल्टीप्लाई किया प्लस का, तो मैंने यहाँ पे कर दिया। अच्छा जी, अब गौर करो कोई ऐसी चीज़ जो कैंसल हो रही हो, कैंसल तो कैंसल कर लेते हैं, नहीं हो रही तो पो फिर छोड़ देते हैं, फिर छोड़ देते हैं हम। अच्छा जी, तो कैंसल कौन सी चीज़ हो रही है? देखो देखो बच्चों, दिमाग, थोड़ा दिमाग भी चलाओ, दिमाग इसी चीज़ को देख लें। अब देखें यहाँ पे क्या है, प्लस 3 भी ठीक है, और आगे कहाँ पर है प्लस 3 भी है कहीं, मतलब बी ई पावर एक्स ये पड़ा, तो मेरे कितना बन गया 1 बी, थोड़ा आगे चलूँ डिन 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 डिन, इसमें तो नहीं होगा, माइनस 4, यहाँ पे कितना बन गया था 1 माइनस 4, तो कितना 3 बी, क्यों आगे है नहीं तो मैंने ऑलरेडी लिख लिया ठीक। यहाँ पे आप अभी नोट कर दो, सही मज़ा आ गया। ती यहाँ भी देखो और यहाँ भी देखो, कैंसिल हो रहा है, उड़ा लो उड़ा लो उड़ा लो भाई बच्चों, उड़ा लो उड़ा लो। और कोई चीज़ कैंसिल हो रही, हुई 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 हुई, ये देखो ये देखो ये देखो। अच्छा जी, और कुछ, और कुछ चाहिए नहीं मम्मी कैंसिल, ये देखो 12 सी ई पावर टू, ये माइनस का मतलब 8 हो गया। आगे चलो ये भी देखो, 8 मतलब 8 में से 4 गए, फिर 4 आगे है नहीं है तो मैंने 4 लिख लिया, काय की परेशानी बच्चों, काय की परेशानी। अच्छा जी, इसको देखो और इसको देखो, सेम ही बला है तो काट दो। ओहो ये भी कट रहा है कट रहा है कट रहा है, क्योंकि मेरे ये भी हो गया था, इसको नोट कर दो, ये भी हो गया, अब रह गया था ये, मैंने लिख लिया इक्वल टू 5, सब कुछ हो गया। फिर मैंने क्या कर दिया, माइनस 3 बी को माइनस के बराबर कर दिया, क्योंकि इसके कोफिशेंट, इसके इन दोनों के जो एक्सपोनेंट हैं इनके जो कोफिशेंट वापस में बराबर हो जाए, माइनस 3 बी इक्वल माइनस है तो बी इक्वल 1/3 ठीक है। इसके बाद 4 ए इक्वल टू 5, तो ए की वैल्यू बी की वैल्यू सी की वैल्यू मिल गई, तो मेरे को वाई पी मिल गया। अब आपका ही काम है वाई सी प्लस वाई पी के दोनों को साथ मिलाकर लिखने का ठीक है, ये आपका टारगेट है, क्या याद करोगे इतना तो कर लो अपना बच्चों। तो हमने 24 लेक्चर्स 24 क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के हमने कंप्लीट कर दिए। अब आगे जो इसके इस पार्ट के दो क्वेश्चन रहते हैं 25 और 26 को, वो कर लेते हैं अगले लेक्चर्स के अंदर। फिर हमने इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम जो इसके एक्सरसाइज की जो है 5-6 क्वेश्चन से वो हम करेंगे, और इसके बाद हमारी जो है वाईपी वाला जान छूट जाएगी थोड़ा सा, इस एक्सरसाइज को हम कंप्लीट कर देंगे। तो आज का हमारा लेक्चर कैसा लगा बच्चों, तो कमेंट करके बता देना कि आज ये जो मेथड चल रहा है कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो ज़रूर कमेंट करें, नहीं अच्छा लग रहा तो भी कमेंट करें, ताकि हम इम्प्रूव चीज़ करें इन चीज़ को। उम्मीद होगी तो आपको अच्छा लगा होगा मेरा लेक्चर, और अगर आप लेक्चर देख रहे हैं पहली बार आए तो यूट्यूब के अपना चैनल तो सब्सक्राइब कर दो भाई साहब, इतना तो कर दो अपने लिए मेरे लिए, और उसके बाद थोड़ा साइड में बेल आइकन बटन थोड़ा सा उसको भी प्रेस कर दें, ताकि आप मेरे आने वाले हर वीडियोज़ अब तक पहुँचते हैं। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।